जो भाजपा के सुपारी किलर है वो इसी रूप में देखें। भाई शेर सिंह राणा बड़े भाई हैं, उनके हम आभारी हैं, उन्होंने अपनी जो है पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। हमने जो अपना समर्थन दिया है वो हरिद्वार लोकसभा के लिए दिया है, और मेरा मानना है कि हरीश रावत जी सुस्त हुए हैं, औरों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जहाँ से चारों तरफ से लोग यहाँ नतमस्तक होने आते हैं उसकी सड़कों की व्यवस्था श्री हरीश रावत जी ने बनाई, तो हमारे लिए तो वही विकास पुरुष है। गांव गांव में, घर घर में, हर आदमी के मुंह पे हरीश रावत जी का नाम है, वीरेंद्र रावत जी का नाम है। मुझे तो समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री रोटी कैसे अंदर ले लेता है। इतना झूठ बोलने के बाद रोटी कैसे अंदर चली जाती है, ये मतलब रिसर्च का विषय है। कांग्रेस आएगी और इस पे भी रिसर्च कराएगी कि इतना झूठ बोलते कैसे। बहुत बधाई, बड़ा शानदार उद्घाटन है, और मैं ज्वालापुर क्षेत्र की कांग्रेस कमेटी को, कांग्रेस जनों को, वरिष्ठ नेतागणों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार चल रही है, कांग्रेस निश्चित जीत की ओर बढ़ रही है। जो बी टीम है भाजपा की, तो जो भाजपा के सुपारी किलर है वो इसी रूप में देखिए। आज हमने ज्वालापुर विधानसभा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, एक जनसभा की है। अपना तेलपुरा से लेके खेड़ी गांव से बंजारे वाले से लेके अपना जो है हमने रनचूरा तक सेक्टर बैरियर 6 सुल्तानपुर मजरी से लेके दादूपुर से लेके आपका राधिकापुरम तक, रोहालगी से लेके जो है रनचूरा तक जितनी भी समस्त विधानसभा के लोग थे, जितने हमारे समस्त प्रधान थे, सब लोग आए हैं। आज कार्यकर्ता आए हैं कांग्रेस के, आज एक उनसे संवाद भी था, हमें जानना भी था कि चुनाव है और आपका मूड क्या है। तो आज एक ये भारी उत्साह उनमें लोगों में देखने को मिला, भीड़ आपने देख ही ली है, तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल जो है बहुत ऊँचा हुआ है, और अब हम जो है और दब के तैयारी करेंगे और अपने प्रत्याशी को हरिद्वार से निश्चित रूप से जिता के भेजने का कार्य करेंगे। भाई शेर सिंह राणा बड़े भाई हैं, उनके हम आभारी हैं, उन्होंने अपनी जो है पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, वीरेंद्र रावत जी के समर्थन में उन्होंने अपना समर्थन दिया है। ये अच्छी चीज़ है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव अब जो है बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी के वर्सेस जनता हो गई है। ये जनता को जितना उन्होंने उत्पीड़न किया, जितना ठगने का काम किया, जितना झूठ बोलने का काम किया, जितना जो है आपका ये जुमलों की सरकार थी, 15 लाख देंगे, उसके बाद नोटबंदी कर दी, फिर GST कर दी, उसके बाद आपका तमाम प्रकार की चीज़ें ये करते रहे, विकसित भारत हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा, 22 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 24 में ऐसा कर देंगे, 27 में ऐसा कर देंगे, अब नया जुमला लाए हैं 47 तक भारत विकसित हो जाएगा। अगर ये भारत आपके हाथों 47 तक रह गया, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर रह गया तो ये भारत जो 2014 या 13 का भारत था, ये भारत वो भी नहीं रहेगा। तो ये जुमले वाली सरकार है, और जो है इनका जो है हमें जो है नेस्तो नाबूद करना है, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और जो वो एक इनकी साजिश थी ना विपक्ष को कमज़ोर करने की, विपक्ष को उठा के फेंकने की, वो साजिश इनकी खुल चुकी है। लोग इतना साइलेंट चुनाव मैंने कभी देखा नहीं है, आज भारी तादाद लोगों की हमने देखी है, लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। हजार रुपए के चालान काटना, RTO से अवैध वसूली करवानी, आपका जो है अधिकारियों को खड़ा कर देना, आपका ट्रॉली के 50,000 रुपए के चालान करना, ये कौन सी बात है? आप 100 रुपए का राशन बांटते हो और जो है 50,000 रुपए का चालान काटने का कार्य करते हो। ये सरकार जनहित की सरकार नहीं है, ये लोगों की सरकार नहीं है। यार ये अभी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, सुनिए सुनिए, वो ड्रामेबाज हैं, वो झूठे हैं। आप भगवान हो क्या? लिख दो भगवान हो। आपने भगवान राम को तो छोटा दिखाई दिया ना, मोदी जी को बड़ा दिखा दिया फोटो में। अगर ऐसा है तो तुम कह दो कि हम झूठे हैं या हम भगवान हैं, हम भगवान से बड़े। ये 400-500 कुछ नहीं है, 180 सीटें भी इनकी नहीं आ रही है। ये तो मीडिया अगर खुल के नेशनल मीडिया इनका जो है देश की सच्चाई दिखा दे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को का आधा काम अपने आप ही खत्म हो जाएगा, घर बैठे कैंडिडेट जीत जाएंगे। जो आज देश की हालात है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे पुलवामा हमला हुआ, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा ले रखा है, आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रखा है, और जिस
आदमी को इन्होंने जो है सरकारी गवाह बनाया है, उसी से 50 करोड़ का जो है चंदा लेने का कार्य करा। आज मुझे तो समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री रोटी कैसे अंदर ले लेता है। इतना झूठ बोलने के बाद रोटी कैसे अंदर चली जाती है, ये मतलब रिसर्च का विषय है। कांग्रेस आएगी और इस पर भी रिसर्च कराएगी कि इतना झूठ बोलते कैसे हैं। देखिए, एक कानून बना हुआ है 70% रोजगार उत्तराखंड के मूल निवास के बच्चों को मिलना चाहिए। ये कानून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ही बनाया था जो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस कानून को कोई फैक्ट्री वाला लागू नहीं करता है। हर फैक्ट्री में आप जांच कराएंगे तो 20-30% ही बच्चे उत्तराखंड के हैं, बाकी उन्होंने बाहर के बच्चे लगाए हुए हैं नौकरी पर। हमने इसके लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने बहुत आंदोलन करे, हमारे रविंदर सैनी जी के तो जब हमने सचिवालय का घेराव करा इसके विरोध में तो लाठी चार्ज हुआ हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के ऊपर, और रविंदर सैनी जी का तो 13 टांके लगे थे, यहाँ सर भी फूट गया था इनका। तो हमने ये भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी को लेटर लिखा और निवेदन किया कि जो भी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो भी सांसद वादा करेगा हमसे कि हम इस कानून को फैक्ट्रियों में लागू कराएंगे जिससे हरिद्वार के हर परिवार में एक नौकरी मिले, तो सिर्फ जो वीरेंद्र रावत जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, सिर्फ उन्हीं का ही जवाब हमें वापस आया और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसको लागू कराएंगे। इसलिए आज हमने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हरिद्वार के, उनके साथ मिलके, जिसमें हमारे राजवीर गुजर जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, श्री रविंदर सैनी जी राष्ट्रीय सचिव, हमारे जिला पंचायत सदस्य रविपाल सैनी जी 44 नंबर वार्ड से, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन डॉक्टर पूनम चौधरी जी, हमारी जिलाध्यक्ष पूजा जी, हमारे युवा के जिलाध्यक्ष रामनिवास जी, और भी सब पदाधिकारियों ने आके यहाँ पे उनको समर्थन पत्र दिया और अब हम कांग्रेस को यहाँ पर जितवाने का काम करेंगे हरिद्वार जिले में। और हमें उम्मीद है कि वीरेंद्र रावत जी अगर सांसद बनते हैं तो हरिद्वार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन फिर भी हरिद्वार के बच्चे बेरोजगार हैं, क्योंकि वो कानून जो 70% का है वो ठीक से लागू नहीं कराया गया है। तो मुझे विश्वास है कि हर परिवार में खुशहाली आएगी और रोजगार मिलेगा। देखिए, हमने जो अपना समर्थन दिया है वो हरिद्वार लोकसभा के लिए दिया है, और मेरा मानना है कि हरीश रावत जी सुस्त नहीं हुए हैं, औरों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी को देखना है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है जो एक मैनिफेस्टो, एक विचारधारा के तहत चलती है, और जो जनसेवा की बात करेगा, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। वीरेंद्र रावत जी में हमने ये सभी जो है क्वालिटी देखी है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे। तो आज मैं जो आपसे पूछा था बादाबाद में जो ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति मानते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बार जिला हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस बार इतना भारी उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ के, एक आम जनमानस के अंदर जिसको इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता उसके अंदर भी उत्साह है। वो चाह रहा है इस बार कि हरीश रावत के नेतृत्व में जो उनकी सीट है वो इस बार जो है हरिद्वार की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में आए, जिन्होंने उत्तराखंड का विकास किया है, उत्तराखंड के स्पेशली जो जिला हरिद्वार है उसका विकास किया है। सेंटर में हरीश कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए जी, आपको पता है इनकी सरकार, इनका जो कार्यशैली है क्या है वो सब दिख रहा है। नहीं, मैं जब से 2014 से ही मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, पहले नहीं था, मैं पहले सपोर्टर था बीजेपी का ही, लेकिन जब इनकी मैंने सिस्टम देखा, इनकी कार्यशैली देखी, जातियों को लड़ाना, धर्मों को लड़ाना, आज देखो ना सिख, ईसाई, मुसलमान, कोई बिरादरी, कोई इनके अंदर जो बिरादरी है वो भी आपस में बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन अपोजिशन पार्टी तो ये भी कहती है कि भाई जो हरीश रावत जी परिवारवाद कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि महेश भट्टजी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ तक ये भी बोला है कि हरीश रावत जी 110 साल जिए और अपने पोतों के लिए भी लड़ाई लड़े। मैं कहता हूँ जो विकास करे अच्छी बात है, आप मोदी को क्यों कह रहे हो बताओ, जब 2 इलेक्शन वो जीत चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो क्या जरूरत है तीसरी लें? वो राजनाथ जी को आगे करें, किसी और को आगे करें, लालकृष्ण आडवाणी को आगे करें, बताओ परिवारवाद उनके अंदर नहीं है? अमित शाह का बेटे का क्या काम है, BCI का अध्यक्ष बना दिया उसको, मैं कहता हूँ मंडी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए,
उस आदमी को बीसीआई का, हमारी बीसीआई जो सबसे बड़ी क्रिकेट में श्रोमणी जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारी संस्था है, क्रिकेट अकेडमी है स्पोर्ट्स के अंदर, उसका अध्यक्ष बना रखा है उसको, किस काम का है वो बताओ मुझे। और दूसरी बात, आप किसी को भी ले लो, राजनाथ का बेटा नहीं बन रखा क्या, सारे बन रखे हैं। दूसरी बात, अगर कोई इंसान विकास करता है मेरे जैसे हरिद्वार, जहाँ हरिद्वार हर की पेड़ी, ये एक धर्म नगरी है जहाँ से चारों तरफ से लोग यहाँ नतमस्तक होने आते हैं, उसकी सड़कों की व्यवस्था श्री हरीश रावत जी ने बनाई, तो हमारे लिए तो वही विकास पुरुष है। हरिद्वार से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार कितना वोट मिलने वाला है? मैं कह रहा हूँ जीत रही है बहुत अच्छे मार्जिन से हरीश रावत। आप ये चीज़ देखो ना कि जिस मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए त्रिवेंद्र रावत जैसे को मुख्यमंत्री पद की गरिमा नहीं आई, एक महिला का उसने जो है अपमान किया, टीचर महिला का अपमान किया है, आज तक कभी उसने उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में नहीं आके देखा। हरीश रावत का हरिद्वार से एक भावनात्मक रिश्ता है, समझ रहे हो, जैसे इंडिया का रशिया के साथ रहता है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत जी के नाम पर वोट पड़ेगा या उनके बेटे वीरेंद्र रावत जी के नाम पर? देखो जी, हरीश रावत के नाम पे ही ज्यादातर वोट पड़ रहा है और उनका बेटा भी इसी कार्यशैली में चल रहा है। आज कम से कम उनकी उम्र कहता हूँ 40 साल है वीरेंद्र रावत जी की, आज तक उन्होंने विधायक का टिकट नहीं मांगा, अब उन्हें जाके सांसद का टिकट अपनी बलबूते के ऊपर मिला है। दिल्ली महाविश्वविद्यालय के वो महासचिव रह चुके हैं, जिला सचिव रह चुके हैं, यूनिवर्सिटियों के एक जुझारू कार्यकर्ता है वीरेंद्र रावत जी। निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार जी भी खड़े हैं जो कि अभी जनता के बीच में जा भी रहे हैं, और मैं पूछना चाहूंगा कि उन्हें कितना समर्थन है? और मैं कहता हूं कोई समर्थन नहीं है उमेश कुमार को, वो एक विधायक बन गए थे, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं एक विधायक बन गए थे बहुत अच्छी बात है, विधायक होने के नाते उन्हें खानपुर तक सीमित रहना चाहिए था, खानपुर का विकास करते, चैंपियन से रात दिन लड़ते हैं वो, अब जाके किस किस से लड़ेंगे जाके, आप सोचो ना। अगर खानपुर का विधायक बनाया तो खानपुर का विकास कर दो पहले हरिद्वार मतलब इसका मतलब कुर्सी का लालच है ना। मुख्यमंत्री धामी के लिए इसी उमेश कुमार ने बोला था कि सीट छोड़ दूंगा मैं अपनी। और ये एक बात बताऊं मुझे, अगर ये वाकई दमदार विधायक बनने सांसद बनने का मजबूती रखता है तो सिर्फ मुस्लिम और दलित समाज में क्यों जा रहा है? बिरादरियां तो और भी हैं, वहाँ जाके वोट मांग के दिखा, वहाँ जाके तुझे वोट मिलेगी तो मैं बताता हूँ तेरे को, एक वोट नहीं मिलेगी। पैसे के दम पे, गड्डियों के दम पे, शोहरत के दम पे तू खाली टिका हुआ है मैदान में, बाकी मैं कहता हूँ 20,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस क्या सर्व समाज को सर, आप मेरे ब्रदर, आप ये देखो ना, आप पत्रकारिता होने के नाते आपका भी ये फर्ज बनता है, आप इस पंडाल में देख रहे होंगे यहाँ हर वर्ग से, सिख भी, ईसाई भी, दलित भी, सैनी समाज भी, चौहान समाज भी, सब आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि खाली मुस्लिम बैठा हुआ है, तो सभी का सवाल आए। हरीश रावत वो विकास पुरुष है जिसकी सोच काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में सोच है ना, काम करने का तरीका है ना। आप त्रिवेंद्र रावत को मिलोगे, आप गुलदस्ता दोगे, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और इन्हें पता है कि हमने क्या काम करना है। इन्हें आप 50 गांव का नाम पूछ लो, एक लाइन में आपको 50 नाम गिनवा देंगे हरीश रावत जी के बेटे, उसे क्या पता। वे हरिद्वार के 10 गांव के नाम नहीं गिना सकते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी हमारे गांव में बुग्गा वाले में प्रोग्राम था तो उन्होंने गाड़ी से पैर भी नीचे नहीं उतारा, और माला उनके सामने एक मंदिर आया जहाँ पे बीजेपी वालों ने अपना प्रोग्राम रखा हुआ था, उन्होंने माला ऐसे ठाके ऐसे फेंक दी, वो मंदिर के गेट तक भी नहीं गई है, बहुत दुख की बात है। और हरीश रावत जी गांव-गांव में, घर घर में, हर आदमी के मुंह पे हरीश रावत जी का नाम है, वीरेंद्र रावत जी का नाम है। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, धन्यवाद। कार्यालय तो आप दिखाओ थोड़ा सा, हर बिरादरी साथ है हरीश रावत जी के साथ में, हरीश रावत जी का तो ये मतलब पहाड़ी इलाका क्या, ये तो हरिद्वार, इनका गांव घर सब एक है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ है। एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो 2022 का विधानसभा का चुनाव था, ज्वालापुर से जो कांग्रेस पार्टी के विधायक बने थे, वो एक कांग्रेस पार्टी के विधायक इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे भाजपा का जो प्रत्याशी था उसका विरोध था, या फिर रवि बहादुर जी को जो विधायक बनाया गया कांग्रेस पार्टी के वजह से? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी को रवि बहादुर जी को बहुत अच्छा वोट मिला है, जबकि इतना फर्क नहीं रहता है, कम से कम 12,500 वोटों से रवि बहादुर जी जीते थे हमारे ज्वालापुर विधानसभा से, और उस टाइम तो 500 या 600 का फर्क रहता था, 1,000 का मुश्किल से। मेरे विधानसभा से तो हम तो लीड लेके चढ़ेंगे, जी जी लीड लेके चढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद। जो आज यहाँ पे इसका कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे भादराबाद में, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भाई यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई ना,
प्रधान लोग सब ग्राम सभा इसके क्या ना विधानसभा के जवाहरपुर के इकट्ठे हुए, सबने समर्थन दिया सो वीरेंद्र रावत जवाहरपुर सीट तो जीत जाएगी। बाकी हरिद्वार लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा का मुझे पता नहीं, जान लिया मैं अब तक। विधानसभा में जीत जाएगी भाई, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के हम प्रत्याशी हैं और कांग्रेस को हम चाह भी रहे। कांग्रेस के क्यों चाह रहे हैं आप जीतना, क्या कारण है? पर कारण क्या, जब सारी दुनिया ही तबाह होगी, मतलब बीजेपी ने तो परेशान कर दिया ना। इसके अंदर तभी तो आप जीतना चाहते हैं, तो हमारी उम्र 60 साल की आगे कांग्रेस चलती आ रही थी, हम तो ठीक थे चौकस रही। अब जो हरियाणा में परेशान है, किस पार्टी से परेशान है? बीजेपी पार्टी से परेशान है। किस कारण से, क्या क्या खामी है जो परेशान है? कोई हर तरह से, जहाँ मान लो कोई जैसे भी कोई उल्टे सीधे काम ही हो रहे, कोई महंगाई वो बढ़ती जा रही, मतलब महंगाई बढ़ रही ना, महंगाई बढ़ती जी। कांग्रेस पार्टी यहाँ से हरिद्वार लोकसभा से जीत रही है या क्या? देखो जी, जैसे कि भाजपा का वो चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, क्यों जी? ये तो सभी जानते हैं, और किसान वगैरह परेशान है इस सरकार से, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार है। हाँ, अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो लक्सर के विधायक है मोहम्मद सयाद जी, वो अपने बयान में ये बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज मौलाना को वोट नहीं करते, मौलाना जो कि बसपा से है प्रत्याशी, तो वो डूबकर मर जाए, ऐसा उन्होंने अपने उसमें बोला है, तो आप इस बारे में क्या? ये तो बयानबाजी चलती रहती है, जब वो ये चल रहा है तो बयानबाजी चलेगी, भाजपा वाले बोल लेंगे, बसपा वाले बोल लेंगे, ये सभी का एक मतलब बोलने का एक तरीका होता है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि बट रही है? मुस्लिम वोट का ज़्यादातर कांग्रेस पे जाएगा, ठीक है, और अन्य जितनी भी बिरादरी है वो भी सब कांग्रेस की तरफ झुक रही है। उमेश कुमार तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ इसमें प्लान में है, लोकल में, जब भी पहाड़ चढ़ेगा ना वहाँ इसका पता ही नहीं कहाँ कौन कोई उमेश है, कौन क्या है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी शादियाँ कराई है, इस कारण से उनको वोट आया। देखो मेरी बात सुनो, समाज सेवी करी उसने, समाज सेवा कर दी, वो बहुत अच्छी बात है, उसका पुण्य उसे मिलेगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि भाई पब्लिक को साझा करके रुझान अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल चीज़ें होती है, ठीक है जी, एक पॉलिटिकल चीज़ें होती है। और जो हरीश रावत है, पहले भी मुख्यमंत्री भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे, कई कई पदों पर रहे, अब उनके लड़के को जो टिकट मिला है बहुत भारी भरकम वोट मिलेगा, बहुत भारी मतों से विजयी।